నీటి అంశాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుందన్నారు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. రెండు ప్రాంతాల్లో అవకతవకలు జరిగిన విషయం బయటపడిందని చెప్పారు. దోషులు ఎంత పెద్ద హోదాలో ఉన్నా వదిలిపెట్టమన్నారు. సుప్రీంకోర్టు సిఫార్సుల మేరకు గ్రేస్ మార్కులు పొందిన 1563 మంది అభ్యర్థులకు మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించామన్నారు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है. प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे. दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है. मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है. हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे. उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा. और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है. कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है. सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है. लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूँ किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा. उनको